अल्लाह फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम जाने वाले हैं कातरज़ जू तो चलिए हम आपको भी ले चलते हैं एंड तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा आज के वीडियो में आपको मिलेगा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कातरेज ज़ू और वन इज़ द बेस्ट टाइम टू गो और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए चलते हैं तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का आउटफिट ज़ू के ठीक बाजू में आपको टू व्हीलर और फोर व्हीलर की पार्किंग मिल जाएगी पेड पार्किंग मिल जाएगी तो आपकी व्हीकल्स आप इजीली पार्क कर सकते हैं सेफ्टी के साथ उसके बाद अंदर आपको खाने के लिए कोई कैंटीन या कुछ भी नहीं मिलेगा इसलिए बाहर जो भी आपको स्नैक्स वगैरह चाहिए वो आप बाहर से ही ले सकते हैं यहाँ पर काफ़ी वरायटी मिल जाएगी आपको स्नैक्स की जूसेस की और ब्रेकफेस्ट आइटम्स की तो वो आप बाहर से ले सकते हैं उसके बाद ये रही एंट्री वेनस्डे को ज़ू क्लोज़ रहता है तो उस हिसाब से आप जाएँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले जा रही हूँ टिकट लेने के लिए तो टिकट के भी चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ अगर आप एडल्ट हैं तो टिकट चार्जेस होंगे फोर्टी रुपीज़ पर पर्सन अगर आप बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं तो बच्चों की हाइट अगर फोर फीट फोर इंचज़ से नीचे है तो उनके टिकट चार्जेस होंगे टेन रुपीज़ और अगर बच्चा तीन साल से अंदर का है तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा फ्री एंट्री होगा तो आ, और साथ ही साथ अगर फ़ॉरेनर के लिए टिकट लेना है अगर आप कोई फ़ॉरेनर हैं और आप इंडिया से बाहर से हैं तो फिर आपको हंड्रेड रुपीज़ पर टिकट देना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि अगर हाँ हम कैमरा अलाउड है या नहीं शूट कर सकते हैं या नहीं तो उन्होंने कहा कि हम शूट कर सकते हैं अंदर जाके अगर नॉर्मल फ़ोन से आप शूटिंग ले रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा बट अगर आप कोई कैमरा यूज़ कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द कैमरा आपको टू हंड्रेड तक चार्जेस देने पड़ सकते हैं तो अब मैं चाह रही हूँ जू के अंदर तो चलिए अंदर चल के भी देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे ये यह है इसकी एंट्री तो जैसे ही हम एंट्री करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने वाले हैं uh, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आके हमने किसी को देखा तो वो थे मंकीज और साथ ही साथ यहाँ पे आराम से एक टर्टल देखिए इतने आराम से यहाँ पे चल रहा है बिना किसी डर के तो ये मंकीज़ एकदम खुले में ही हैं इन्हें कहीं पैक करके नहीं रखा गया है और और एक चीज़ आप इन्हें कुछ भी खाने के लिए दे नहीं सकते ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फिर उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे मंकीज़ हमें देखने के लिए मिल गए और लोग कह रहे थे कि यहाँ पर और भी मंकीज़ है बट शायद वो कहीं छुपे थे या फिर कहीं और थे तो फ़िलहाल हमें यहाँ पे कुछ मंकीज़ देखने को मिले और वराइटीज़ ऑफ मंकीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो ये देखिए आगे चलते हुए हमें और एक प्यारा सा मंकी दिखेगा तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ काफ़ी सादे प्लांट्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे एनिमल्स तो हैं ही साथ ही साथ काफ़ी सारे प्लांट्स वगैरह भी हैं ये देखिए ये मंकी कहाँ पर बैठा हुआ है पहले तो काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए बट इन लोगों को काफ़ी आदत होती है इन सारी चीज़ों की तो एकदम आराम से सुकून से ये वहाँ पे बैठा है और यहाँ पे भी देखिए और मंकीज़ हमें देखने मिल गए ये सारे ग्रुप में थे इसलिए काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं ये लोग और दिन भर खेलते कूदते रहते हैं फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ तो आगे हमें देखने मिला स्नैक पार्क जहाँ पर मैं स्नैक पार्क की बात करूँ यहाँ पे आपको इतने वैरायटी ऑफ स्नैक्स देखने को मिलेंगे जिसकी कोई बात ही नहीं है तो यहाँ पे एंटर करते ही साथ हम देख सकते हैं यहाँ से अब हम एंट्री लेंगे उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी तो वो आप रीड कर लें और ज़्यादा कुछ नहीं है यही लिखा है कि आपको कुछ थ्रो नहीं करना है स्नेक के तरफ जैसे कि उन्हें डराना नहीं है उन्हें मारना नहीं है और उन उनके साथ कोई तरह की छेड़खानी हमें नहीं करनी है वरना ये काफ़ी डेंजरस हमारे लिए हो सकता है तो ये देखिए और जैसे ही हम अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स हमें देखने को मिले ये देखिए और साथ ही साथ मैं आपको जू के टाइमिंग्स के बारे में भी अगर बता दूँ तो नाइन थर्टी एम टू फ़ाइव पी एम तक के इसके टाइमिंग्स है और बेहतर होगा कि आप सुबह जल्दी आके ही यहाँ पे एंटर करें अदरवाइज़ आपको लाइन में रुकना पड़ सकता है टिकट के लिए और काफ़ी धूप भी होती है तो जल्दी जल्दी टिकट लेके अंदर आ जाएँ और काफ़ी बड़ा ज़ू है ये तो आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा अंदर काफ़ी चलना पड़ सकता है आपको आप चाहें तो बस भी ले सकते हैं यहाँ पर अंदर आपको बस भी मिल जाएगा और बस के टाइमिंग्स भी होते हैं टेन ए एम से स्टार्ट होते हैं तो दस बजे से पाँच बजे तक आपको बस मिल जाएगी उसमें बीच में वन आ, वन तो टू टू अराउंड उनका ब्रेक होता है तो एक से दो के बीच में आपको बस नहीं मिलेगी बट अदरवाइज आपको मिल जाएगी तो ये देखिए कितने सारे स्नैक्स हैं यहाँ पर हमको वराइटी मिल गई काफ़ी सारी स्नैक्स की यहाँ पर और ऐसा नहीं है कि ये स्नैक्स काफ़ी सुन बैठे थे या ऐसा कुछ अच्छा खासा ये लोग चरपरी तरह से ये लोग हलचल कर रहे थे और हाँ कमिंग बैक टू बस तो बस के चार्जेस अगर आप बस में जाना चाहते हैं बस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए ट्वेंटी फाइव रुपीज़ है और बड़ों के लिए फोर्टी रुपीज़ है और एक बस में अराउंड टेन टू फोटीन लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको ये इन्फॉमेशन यूज़फुल हो जाएगी कि अगर आप बस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक साथ दस से चौदह लोग एक बस में ट्रैवल कर सकते हैं बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सच में इन्जॉय करना चाहते हैं इस ट्रिप को तो आप डेफिनेटली वॉक करें और ट्राई करें कि आप स्पोर्ट्स शूज़ ही पहन कर जाएँ और नॉर्मल शूज़ में ना जाएँ या फिर आपको काफ़ी चलना पड़ सकता है तो स्पोर्ट्स uh, शूज़ ही पहने आप तो यहाँ यहाँ पे हमें रैट स्नेक्स भी देखने मिले रैट स्नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोग रैट्स खाते हैं तो अंदर की तरफ ये हमें स्नेक का पुतला देखने मिला तो इसके साथ भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लिए उसके बाद हम थोड़ा आगे गए और यहाँ पर देखिए स्नैक पार्क को एक्चुअली कुछ इस तरीके से बनाया गया है ताकि वो फीलिंग आए कि हाँ आप स्नैक पार्क में हो और थोड़ा और अंदर जाते वक्त हमें और भी काफ़ी सारे वैरायटी के स्नैक्स और और भी अलग अलग तरीके के जानवर हमें देखने को मिले और साथ ही साथ यहाँ पे टर्टल आपको देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर गए वहाँ पे हमें और एक सेक्शन मिला स्नैक्स का जो पिछले वाले सेक्शन से थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ के स्नैक्स काफ़ी सुन बैठे थे यहाँ पे कुछ फ़न फैक्ट्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे और स्नेक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है बट यहाँ पे जहाँ पर मैं स्नैक्स की बात करूँ जो हमें यहाँ पर देखने मिले वो थोड़े से साइज़ में बड़े थे डिज़ाइन में भी थोड़े अलग थे तो मुझे लगा ये थोड़े ज़्यादा डेंजरस हैं पहले वाले स्निक्स के हिसाब से और ये लोग काफ़ी सुन बैठे थे एज़ कम्पेयर टू जो स्नैक्स हमने पहले देखे थे जो काफ़ी चरफरे थे तो ये लोग काफ़ी शांत तरीके से बैठे थे यहाँ के स्नैक्स और दिखने में ये उन उनसे ज़्यादा बड़े और ज़्यादा यूनिक लग रहे थे बिजके बाद में जहाँ गए हम लोग वहाँ पे तो भाई मैं डर ही गई क्योंकि यहाँ पे इतना जायंट स्नेक देखने को मिला पहले तो कुछ दिख ही नहीं रहा था फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे देखा इतना जायंट स्नेक था लेकिन ये शायद सोया हुआ था बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था उसके बाद हम थोड़ा आगे की तरफ आए तो यहाँ पर हमको बहुत सारे टोटल देखने को मिले और इनके साथ यहाँ पे तो, मतलब आप देख सकते हैं टोटोइस हैं काफ़ी सारे और यहाँ पर भी कुछ चल रहे थे कुछ शांति से बैठे थे तो इनके लिए भी एक अलग से सेक्शन बनाया है इन लोगों ने और उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पे और हमें टोटल देखने को मिले फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और फन फैक्ट्स पढ़ने को भी मिले टोटल के बारे में एंड ये यहाँ पे थोड़ा जाली वगैरह लगाया था तो हम थोड़ा मुश्किल से देख पा रहे थे और कुछ टोटल एकदम से छुप गए थे अंदर जाके बट फिर भी बाहर कुछ देखने को मिले यहाँ पे हम जब एग्जिबिशन हॉल में गए एग्जिबिशन हॉल में यहाँ पे हमें बहुत ही डेंजरस जो तरीके के एनिमल्स होते वो देखने मिले सबसे पहले तो हमें यहाँ पर उगवाना देखने को मिला जो कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं था पर ज़्यादा छोटा भी नहीं था और बहुत साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा वाला इगवाना था यहाँ पे ये ग्रीन उगवाना है तो ये अकॉर्डिंग टू जहाँ पे वो रहता है वो अपना कलर चेंज करता है तो अभी ये लकड़ी पे था तो इसने ब्राउन अपना कलर रखा था मतलब तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है उसके बाद यहाँ पे कुछ साइंस लिखे थे ऑफ स्नैक बाइट्स और उसके बाद आ, हमें यहाँ पे 75 सेंटीमीटर का ये लॉन्ग ब्राउन कलर का स्नैक देखने को मिला जो कि आप देख सकते हैं एक आ, सामने वाले जो टी ट्रंक है उस पर लंबा सा लेटा हुआ है नेक्स्ट हमें ट्रिकेट नाम का एक स्नैक यहाँ पे देखने को मिला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको नीचे कॉर्नर में देखने मिल जाएगा तो ये एक वैरायटी थी जो हमें एग्जीबिशन में देखने को मिली और ये वाला जो स्नेक था वो अराउंड सेवेंटी सेंटीमीटर का था नेक्स्ट हमें देखने मिला ग्रीन बैम्बू पिट आ, करके एक स्नेक है बैम्बू पिट वाइपर तो ये देखने को मिला ये काफी जहरीला काफी पॉइजनस लग रहा था कंप्लीट ग्रीन कलर का स्नेक जैसी पिक्चर यहाँ पे दी है सेम टू सेम वैसा ही स्नेक ये देखिए आप सामने देख सकते हैं ऐसे टाइप के दो स्नेक्स यहाँ पे देखने मिले हमें एक तो ये ऊपर है और अगर आप थोड़ा सा उसके नीचे देखेंगे तो आपको दूसरा वाला भी वहाँ पे देखने मिल जाएगा तो इस तरह के दो देखने मिले हमें और उसके बाद हम बढ़े आगे की तरफ यहाँ से एग्जिबिशन हॉल से हम बाहर निकले और हम थोड़ा आगे गए कैश जब हमने एंट्री ली थी तो हम लेफ़्ट की तरफ आए थे अगर आप लेफ्ट की तरफ आते हैं तो पहले आपको स्नेक्स और बाकी सारे जानवर देखने को मिलते हैं बट अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो आपको बड़े बड़े जानवर जैसे कि लायन टाइगर चीता वो सब देखने मिलेगा तो ये हम लेफ़्ट की तरफ आए हैं स्नेक्स के थोड़ा ही आगे हम जैसे ही आए एग्जिबिशन हॉल के हमें देखने मिला ये गैरियल कहते हैं जिसे तो हम थोड़ा और जूम करके आपको इसे दिखाते हैं ये काफ़ी शांत सुस्त लग रहा था शायद ये थका हुआ था और यहाँ पे दो देखने मिले हमें तो यहाँ पे ये देखिए इसका बोर्ड और ये देखिए ऐसा लगता है कि ये बस यहीं पे हमेशा पड़ा हुआ होता है और उसी के थोड़ा सा दूर पे थोड़ा सा पीछे हमें और एक देखने के लिए मिला गैरियल तो ये देखिए उसके बाद हमें एलिगेटर देखने के लिए मिला लेकिन वो थोड़ा क्लियर नहीं आया उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे आए तो यहाँ पे ये यह पानी काफ़ी गंदा हो चुका था इसके अंदर हमें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया बट आई गेस शायद से यहाँ पे फ्लैपशीट टर्टल जैसा कुछ होता है पर ये शायद से छुपा हुआ है यहाँ पे कॉर्नर में आप एक छोटा सा टर्टल देख सकते हैं बट uh, यहाँ पे कुछ फिश भी हैं लेकिन एक बड़ा सा टोटल है यहाँ पर फ्लैपशीट टोटल जो कि आई थिंक छुपा हुआ था अंदर फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए दूसरे सेक्शन की तरफ तो हमें यहाँ पे ये यह सीटिंग अरेंजमेंट दिखा कि अगर आप थक जाए तो यहाँ पे आके आप बैठ सकते हैं आराम कर सकते हैं थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ पोस्टर्स लगे थे स्नैक वगैरह के और uh, यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स हमें अच्छे अच्छे देखने मिले और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्नैक्स तो ये भी एक स्नैक्स स्नेक, स्नेक सेक्शन का ही पार्ट था उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए और उसके बाद हमें और भी वैरायटी के स्नेक्स देखने मिले यहाँ पे दोनों ही वैरायटीज़ थे छोटे बड़े लंबे पतले छोटे हर हर टाइप के वैरायटी के स्नेक्स इस सेक्शन में थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ऐसे लिटरली पूरे झुंड में हमें स्नेक्स यहाँ पे देखने को मिले तो स्नेक्स का जो मेन सेक्शन था वो ऐसे तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया था जहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स थे साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है और चलना भी पड़ता है इसीलिए आप एक सन ग्लासेस और एक हैट अपने साथ जरूर रखिए पानी की बॉटल आप अपने साथ रख सकते हैं वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रिंक बट साथ ही साथ अंदर पानी का भी अरेंजमेंट है तो पानी के टैप्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे आगे जो कि दूसरी सेक्शन की तरफ मिलेंगे तो वो भी एक चीज़ है और साथ ही साथ जब मैं थोड़ा आगे आई तो यहाँ पर मुझे और ये थोड़ा ये एक्चुअली इन लोगों ने लगाया है फॉर किड्स सो दैट दे कैन वॉच एंड दे कैन फील मोर हैप्पी और उसके बाद यहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और और थोड़ा आगे जाएंगे हम तो यहाँ पे सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पे गई तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं बट फिर अचानक से मैंने देखे यहाँ पे कुछ बड़े बड़े स्नैक्स जिन्हें कि अजगर या फिर पाइथन भी कहा जाता है तो वो वाले स्नैक्स जो हमें यहाँ पे देखने मिले लिटरली बहुत बड़ी बहुत ही हैवी और ह्यूज बॉडी इनकी दिख रही थी तो यहाँ पे दो अजगर आपको देखने मिल जाएंगे और इनकी मूवमेंट भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा थी ये बिल्कुल भी सुन नहीं थे ऐसा लग रहा था कि बस ये लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों किस तरीके से बाहर की तरफ देख रहे थे और साथ ही साथ इनकी लेंथ भी काफ़ी बड़ी थी तो ये देखिए किस तरीके से ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वो दूसरा वाला तो देखिए कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ जा चुका है तो यहाँ पे ये देखने के बाद हमें बहुत मज़ा आया और उसके बाद हम चलिए पढ़ते हैं आगे तो ये था स्नेक सेक्शन जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये ऑलमोस्ट एग्जिट है स्नैक पार्क की तरफ से और uh, पूरा स्नैक सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया है अब हम बढ़ेंगे दूसरे सेक्शन की तरफ <laughs> फ्रेंड्स आपकी और जानकारी के लिए बता दूं कि कातर ज़ू को राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क भी बोला जाता है तो इनके साथ यहाँ पे आ रहे हैं एड्रेस पता करने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क बोलेंगे तो कोई भी आपको आसानी से यहाँ का पता बता देगा और और एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप चाहें तो एक गाइड भी ले सकते हैं जो कि आपको फिफ्टी रुपीज़ में मिल जाएगा और फिर चलिए बढ़ते हैं आगे सेक्शन की तरफ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है uh, हाँ ऑफकोर्स वॉकिंग करनी पड़ रही है लेकिन वो वर्थ लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारी अच्छे अच्छे चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं फ्रेंड्स मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि आप चाहो तो यहाँ पर पानी uh, और खाना भी ला सकते हो पानी के जैसे कि मैंने कहा आपको टैप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और खाने की जहाँ पर बात करें तो बाहर से आप या तो ब्रेकफास्ट करके अंदर आइए या तो फिर आप स्नैक्स लेकर पेपर बैग में या फिर पेपर के किसी भी चीज़ में आप स्नैक्स लेकर भी अंदर आ, आ, ला सकते हैं प्लास्टिक मोस्टली अंदर अलाउड नहीं है तो आप ट्राई करिए कि जो भी आप लाएँ वो पेपर्स में ही लाएँ और तो यहाँ पर अंदर आके आप स्नैक्स के लिए भी आपको स्नैक्स खाने के लिए भी जगह मिल जाती है अच्छा खासा गार्डन एरिया मिल जाएगा आपको जो कि मैं आपको आगे दिखाऊँगी और यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें देखने मिला और साथ ही साथ यहाँ पे हमें पीकॉक देखने के लिए मिले जिन्हें मैं जितना कर पाई मैंने आप कैप्चर करने की कोशिश की है मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सामने बहुत ही ब्यूटीफुल पीकॉक काक है जिसने अपने पूरे फेदर ओपन किए हैं और बहुत ही प्यारा वो डांस कर रही थी बट जाली की वजह से वो शायद इतना अच्छे से कैप्चर ना हो पाया हो बट लेकिन फिर भी वो एकदम दिखाई दे रही थी कि उसने पूरे अपने फेदर ओपन किए हैं ये और एक यहाँ पर है और ये देखिए ये पीछे वाली तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है उसने पूरे पूरे कंप्लीट पूरे फेदर ओपन किए हैं और काफ़ी एकदम बड़ा सा लग रहा है वो वैसे तो फ़िलहाल यहाँ पे दो पीकॉक देखने मिले हमें बट पीछे की तरफ और भी पीकॉक्स थे जो झाड़ों की वजह से पीछे छुपे हुए थे जो हमें सामने नहीं दिखे बट हाँ तो बढ़ते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पे ठीक पीकॉक के बाजू में एक बहुत ही आ, अलग सा दिखने वाला बर्ड हमें दिखा जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा था तो जानना कि ये क्या है एग्जैक्टली exactly, थोड़ा मुश्किल था बट या इसकी भी मैंने एक झलक ले ली तो ये देखिए मैं आपको लेक व्यू दिखाती हूँ बहुत ही प्यारा लग रहा था ये बट थोड़ा सा संभल के रहिए और फिर बढ़ते हैं ऊपर की तरफ और अब हम जा रहे हैं दूसरे सेक्शन की तरफ तो गाइज़ यहाँ पे हमें देखने मिला ब्लैक काइट यहाँ पे हमें एक ही ब्लैक काइट देखने मिला बट काफ़ी बड़ा सा केज था इसका और उसके ठीक बासु में हमें एक और बड़ा सा केज दिखा शिकरा का बट हमें शिकरा यहाँ पे दिखा नहीं काफ़ी कोशिश की शायद हो सकता है कि अंदर कहीं सो गया होगा या फिर कहीं छुप गया होगा झाड़ों के पीछे बट दिखाई नहीं दिया और बढ़ते हैं आगे की तरफ तो आगे हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल्स देखने मिलने वाले हैं तो आप आगे का शॉट तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था लेफ़्ट सेक्शन है और राइट सेक्शन है तो लेफ़्ट सेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब हम हाइट सेक्शन देखेंगे जहाँ पर हमें बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि टाइगर लायन ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी और देखिए यहाँ पे आपको पानी का टैप जैसे कि मैंने कहा था वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा और वॉशरूम की भी फैसिलिटी यहाँ पर जगह जगह पर दी हुई है और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस तरफ से नो एंट्री है एंड उसके ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हैं तो इस तरह से हम स्ट्रेट जाएंगे आप हम टाइगर और लाइन के सेक्शन में जा ही रहे थे कि बीच में हमें एक और सेक्शन दिख गया तो चलिए पहले आपको उस तरफ लेके चलते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रेट जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सबसे पहले तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे पार्क का सबसे ब्यूटीफुल एरिया मुझे यही लगा क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स लगाए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ये शायद रिसेंटली ही बनाया है इन्होंने ये देखिए कितने ब्यूटिफुल इन्होंने ये स्ट्रक्चर किया है बड़े बड़े केजेस लगाए हैं यहाँ पर तो एक एक करके हम वो भी चेकआउट कर लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे ये कैट वाला ये कैट वाला मेरे लिए काफ़ी न्यू था क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने ये यहाँ पे सेक्शन बनाया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो कैट्स आपको देखने मिलेगी ये वाइल्ड कैट्स हैं जिन्हें बाहर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है इसीलिए इन्हें अंदर बंद किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैट हमें देखने मिली जो चुपचाप से शांति से पूरा टाइम बैठी थी और जो दूसरी कैट थी वो तो काफ़ी फ़नी लगी मुझे क्योंकि वो पूरा टाइम सिर्फ लेफ़्ट राइट लेफ्ट राइट कर रही थी और जितने देर तक हम वहाँ पर थे देखिए आप देख सकते हैं सामने वो लेफ्ट जा रही है फिर से राइट जा रही है फिर से लेफ्ट जा रही है तो पता नहीं वो क्या कर रही थी अंदर बट इसको देख के हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा आगे भी आई थी तो ये देखिए ये आगे आई थी तो हमने इसे और क्लियरली देखा इसे देखकर पता चल रहा था वैसे कि ये वाइल्ड कैट है और उसके बाद जो हमने देखा वो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और वो है लेपर्ड कैट लेपर्ड कैट मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी और बहुत प्यारी लग रही थी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे अगर कुछ लगा है इस पूरे पार्क में तो वो थी ये लेपर्ड कैट मैं आपको उसको बहुत ही क्लोज में दिखाने वाली हूँ तो ये देखिए कितनी यूनिक और प्यारी लग रही थी छोटी सी कैट है ये बट ये जो बड़ा सा आप एरिया देख रहे हैं ये सिर्फ इसके लिए बनाया है इन्होंने अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ यही थी अंदर और ये पूरा बस वॉक कर रही थी राउंड मार रही थी तो हम इसे अच्छे से कैप्चर कर पाए बाकी कुछ एनिमल्स काफ़ी सुस्त थे तो उन्हें कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल था बट इसे हम अच्छे से ले पाए कैमरे में और ऐसे लग रहा था जब हम इसे देख रहे थे ऐसे लग रहा था कि ये बस हमें देख हमें बार बार देख रही है ऐसे फील हो रहा था तो ये भी एक बहुत ही प्यारी क्रिएचर दिखी मुझे यहाँ पे और उसके बाद बढ़ते हैं आगे सेक्शन की तरफ तो यहाँ पे मैं थोड़ा थक गई थी तो हमने सोचा थोड़ा बैठ कर पानी वानी पी लेते हैं और फिर उसके बाद और थोड़ा चलना होगा हमें और आगे जाना होगा लायन टाइगर और लेपर और चीता और पता नहीं क्या क्या देखने मिलेगा देखते हैं आगे तो यहाँ पे बैठना काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सुकून वाली जगह थी उसके बाद हम जब थोड़ा आगे गए तो हमें देखने मिला ये एक जायंट स्क्वेरल ये सच में जायंट था ये भले ही आपको पिक्चर में थोड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा बट अगर आगे आप वीडियो में देखेंगे तो ये था ठीक ठाक बड़ा था, एक सा एकदम जायंट सा स्क्वायरल था ये और नॉर्मली हम देखते हैं तो काफ़ी छोटे छोटे स्क्वाल होते हैं बट ये जंगली भी था और बड़ा भी था और ये देखिए जितना आप कैमरे में देख सकते हैं उतना सामने से और भी ज़्यादा जायंट लग रहा था ये और उसके बाद हम बड़े थोड़ा आगे की तरफ तो हमें थोड़ा वॉक करना पड़ा उसके बाद वॉक करने के बाद फाइनली हमें वो सेक्शन मिल ही गया जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दिए देखा बियर तो हम बियर को भी कैप्चर कर पाए ये काफ़ी ओपन में लग रहा था तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं ये सामने ना आ जाए बट ये अपनी ही दुनिया में था आराम से चल रहा था और इसके बाद हमें और एक यहाँ पे बेसिकली हमें दो बियर देखने को मिले उस एरिया में फिर उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे गए तो ये देखिए ये यहाँ पर सबसे पहले हमें लेपर्ड का सेक्शन देखने मिलेगा तो ये देखिए लेपर्ड एक्चुअली हमें बाद में देखने मिले बिकॉज जब हम पहले स्टार्टिंग में आए तो लेपर्ड शायद सो रहे थे या अंदर कहीं गए थे पता नहीं बट उसका थोड़ा उससे उसके थोड़ा और आगे जाने के बाद हमें दिखाई दिया टाइगर ये देखने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आई और ये देखिए ये आराम से लेटा हुआ है आगे वीडियो में आपको इसका मूवमेंट भी दिखाई देगा और फिर हम जब दूसरे साइड से गए टाइगर को देखने के लिए तो हमें उसका फेस क्लियरली नज़र आया और ऐसा लग रहा था वो बस हमें ही देख रहा है तो काफ़ी सुकून से काफ़ी शांति से ये बैठा है ये देखिए इसकी मूवमेंट भी काफ़ी ख़तरनाक लग रही थी आप देख सकते हैं तो जब हम सामने से इसे देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था बस ये पास में ही आ जाएगा और ऐसे कोई कवर नहीं किया है इन्हें बट हाँ थोड़ा नीचे ए, एरिया में ऐसे खुला छोड़ा है इन्हें बट दीवार बहुत लंबी है तो ये ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते हैं बट हाँ आप इन्हें क्लियरली देख सकते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है तो ये हो गया टाइगर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें लाइन का सेक्शन दिखा जहाँ पे हमें एक लाइन देखने मिला जो कि आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है तो स्टार्टिंग में तो हमें लगा एक ही है लाइन यहाँ पे बट थोड़ी देर के बाद हमें दूसरा लाइन भी दिखा और थोड़ी देर बाद ये लोग दोनों मिलके इतने ज़ोर जोर से चिल्ला रहे थे और पूरी उनकी जो आवाज़ थी पूरे ज़ूम में ऐसे गूंज रही थी तो ये देखिए हमने काफ़ी क्लियरली कैप्चर कर पाए हम लाइन को ये भी काफ़ी अच्छे से ऐसे लग रहा था कि पोज दे रहा है इतने अच्छे से बैठा है ये जब हमने लायन टाइगर लेपर्ड इन सारे uh, जानवरों को यहाँ पे देखा तो मुझे सच में यहाँ पे आना वर्थ इट लगा और उसके बाद जस्ट लायन के थोड़ा सा ही पास में हमें यहाँ पे केव बना हुआ दिखा जो कि ऐसे ही नॉर्मली बना हुआ है एक फीलिंग देने के लिए कि वहाँ पे लायन रहता है एक्चुअली लायन वहाँ पे नहीं जाता है वहाँ पे बस नॉर्मल इंसानों के लिए ही जगह बनी हुई है बट वो वहाँ पे बनाकर और भी इन्होंने इफ़ेक्टिव बना दिया तो देखिए फाइनली लायन ने मूवमेंट शुरू कर दी और लायन ने यहाँ वहाँ वॉक करना शुरू कर दिया और काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे और मम्मा को भी तो ये देखिए हम फिर से रिवर्स जा रहे थे लेपर्ड को देखने के लिए तो हमें फिर से लाइन टाइगर दिख गया यहाँ पे इसे देखने में अलग ही मज़ा आ रही थी तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का हम थोड़ी देर रुके थे यहाँ पे और ये देखिए इसने जिस तरीके से अपना मुंह खोला है वो इतना स्कैरी लग रहा था और सच में बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने फिर हम गए आ, फिर से लेपर्ड को देखने की शायद अभी तक वो आ गया होगा क्योंकि जब हम पहले एंट्री कर रहे थे आ, इस सेक्शन में तो लेपर्ड्स नहीं थे तो देखते हैं मोस्टली अब तक तो लेपर्ड आ ही गए होंगे बाहर और आ, जब हम आगे की तरफ गए तो अराउंड हमें लेपर्ड्स फाइनली देखने को मिले तो आपको भी दिखा देते हैं तो पहले तो हमें एक लेपर्ड दिखाई दिया यहाँ पे उसके बाद तीन लेपर्ड हमें यहाँ पे दिखाई दिए और इनमें काफ़ी मूवमेंट थी शायद इनमें अच्छी फ्रेंडशिप है तो वो काफ़ी मस्त वॉक कर रहे थे अच्छे से खेल रहे थे एक दूसरे के साथ तो ये देखिए ये दूसरा वाला लेपर्ड भी आ गया बाद हमें देखने मिले बहुत सारे डियर तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहां पे मैं आपको और जूम करके डियर को दिखाती हूं और अचानक से पता नहीं कहाँ से बट ये डियर के सेक्शन में अंदर एक स्क्वेर था और चलिए मैं दूसरे साइड से अगर आपको दिखा दू तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डियर कितने क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और सबके सब, सब मेरी तरफ देख रहे थे जब मैं कैमरा लेकर खड़ी थी वहां पर आज सबके सब आ गए खड़े होकर पोज देने के लिए तो ये देखिए कैसे घूर घूर के ये मुझे देख रहे हैं एज इफ़ ये मुझसे कुछ मांग रहे हैं या फिर कुछ चाहते हैं आई डोंट नो तो यहाँ पे भी मुझे बहुत मज़ा आया उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें डियर की और भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरली झुंड में डियर्स यहाँ पे है कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ बहुत बड़े तो ये भी यहाँ पे देखने मिल गए हमें 🎵 Music 🎵 बात सिर्फ लास्ट सेक्शन बचा था जहाँ पे हमें एलिफेंट्स देखने को मिलने वाले थे तो हम गए उस सेक्शन की तरफ बढ़े और उसके बाद हमें पता चला कि इस सेक्शन में हमें एलिफेंट जैकल ब्लैक बाग और वुल्फ देखने को मिलने वाले थे बट अंदर जाने के बाद हमें इतनी सारी चीज़ें तो देखने नहीं मिली बट हाँ हमें ब्लैक बाग देखने को मिल गए और वुल्फ तो कहीं नहीं दिखा मुझे हो सकता है वो होंगे और मे बी यू नो कहीं छुपे होंगे या अंदर कहीं गए होंगे तो वो सारी चीज़ें हो सकती है तो यहाँ पे ब्लैक बर्ग दिख गए हमें और अंदर जाने के बाद एलिफेंट्स भी दिखे एलिफेंट्स इतने क्लियरली नहीं दिख पाए क्योंकि वो थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा नीचे थे तो आ, आपको वो भी दिखा देते हैं हम एक बार तो ये देखिए ज़ू के एकदम एंड में एकदम एंड में हमें एलिफेंट्स यहाँ पे देखने को मिले आप देख सकते हैं ये काफ़ी दूर है बट हाँ हम देख पा रहे थे इन्हें और जितना आप कैमरे में देख सकते हैं रियलिटी में भी हम उतना ही देख पा रहे थे एलिफेंट्स को तो यहाँ पे हमें एलिफेंट्स देखने को मिल गया विद दिस हमारा जो ज़ू का ट्रिप था वो कंप्लीट हुआ और ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हमने देखी और हर एक चीज़ को वीडियो में लाने की कोशिश भी की इनफैक्ट हर एक चीज़ हमने रिकॉर्ड की तो उम्मीद है गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आई थिंक दिस वॉज दी एंड इसके बाद हम बस एग्ज़िट ही करने वाले हैं अभी टिंग कंप्लीट हो चुकी है काफ़ी थक चुके हैं हम भी और मम्मा भी तो हम दोनों अब निकल रहे हैं घर के लिए अब जाएंगे हम घर